फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं पंकज आपका होस्ट कम दोस्त, ठीक है। हमने एक और आइटम मंगवाया है, आज मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ये देखिए पैकेज, शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। इस पे वैसे कुछ डिटेल्स वगैरह मेंशन है कि मेरा शिपिंग एड्रेस वगैरह, ठीक है। एंड ये पैकेट है, आइए ओपन करते हैं इसको। दोस्तों थोड़ा जल्दी कीजिए, कमेंट से में मेंशन कीजिए कि हमने क्या आइटम मंगवाया होगा, क्योंकि ये ओपन होने जा रहा है आपके सामने। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ पूरा। ये देखिए दोस्तों, सरप्राइज ओवर आपके लिए, आपके सामने है योगा स्मार्ट टैब विद स्मार्ट गूगल असिस्टेंट, ठीक है। ये गूगल का काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लेनोवो ने पेश किया है स्मार्ट टैब, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ओके गूगल भी लिखा है यहाँ पे लिखा है स्मार्ट टैब विद गूगल असिस्टेंट। ये बेसिकली योगा के लिए है, ठीक है। जब आप योगा कर रहे हैं तो आप योगा देख सकते हैं विदाउट एनी क्लिक, आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। आपको जस्ट बोलना है गूगल, हे गूगल प्ले सम योगा वीडियोज ऑन YouTube, ठीक है। ये आपको YouTube पे वीडियो दिखाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेनोवो का है, इन सेल फुल HD IPS डिस्प्ले है, ठीक है। ड्यूल हाई फाई स्पीकर्स भी है इसमें, आई प्रोटेक्शन भी है, 360 डिग्री फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन है। इसमें जो माइक्स है वो फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का है ये, और कैलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है इसमें, और डॉल्बी एटमस साउंड के साथ में ये लेस है, ठीक है। और साउंड बाय JBL है, ठीक है। इसमें ड्यूअल स्पीकर्स हैं, ठीक है। 1.5 वोट आई थिंक इसका स्पीकर है, जो डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया, आइए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा पैक किया हुआ है, एक और लेयर इस तरीके से काफ़ी अच्छा पैक है। तो आइए शुरू करते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुपर कलर लग रहा है, मैट में है बिल्कुल कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हमें इसको ओपन करने के लिए आई थिंक थोड़ा सा और मशक्कत करनी पड़ेगी, इसमें एक टेप और लगा है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, तो आपके सामने पेश है लेनोवो योगा टैबलेट। काफ़ी स्लीक है, ये इसके स्पीकर्स हैं दोनों साइड में, टू साइड स्पीकर्स हैं स्टीरियो साउंड के लिए, ठीक है। इसमें एक लॉक भी होता है यहाँ पे, सो दैट ये स्टैंड है बेसिकली इसका एक। और इसकी और एक्सेसरीज करके दिखाता हूँ मैं ओपन। इसमें क्या होगा, गेस कीजिए इसमें क्या होगा। मैनुअल है इसका आई थिंक, यस, वारंटी एंड क्विक स्टार्ट गाइड है इसका, ठीक है। तो ये अभी हमारे काम का नहीं है, इसको हम बाद में देखते हैं। इसमें और क्या होगा, ये इसका डाटा केबल है, ये इसका चार्जर है। इसमें और कोई एक्सेसरीज नहीं है, वन साइड इसका केबल था, वन साइड इसका चार्जर था, ठीक है। वो मिले, आइए इसके अनबॉक्सिंग करके इसको चला के दिखाते हैं आप लोगों को। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में दिख लग रहा है मुझे ये। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है,
ये एक स्टैंड है, इसके साथ ये हैंग करना हो तो हैंग भी कर सकते हैं, होल्ड करने के लिए भी है और टिल्ट करने के लिए ऑप्शन है। 10.1 फुल HD स्क्रीन है इसका, ड्यूल हाईफाई स्पीकर्स हैं JBL के थ्रू, और स्मार्ट गूगल असिस्टेंट है, और 360D फार फील्ड वॉइस रिकॉग्निशन के लिए है। और यहाँ पे भी मेंशन है साउंड बाय JBL डॉल्बी एटमस साउंड के साथ है, और यहाँ पे कंपनी का नेम लिखा है लेनोवो। अभी हम देखते हैं कि ये किधर से कैसे ओपन होता है। ये कैसे ओपन होगा हमें देखना पड़ेगा। ओके, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये खड़ा होगा। ये स्टैंड है इसका, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए स्टैंड है इसका, ठीक है। ये और यहाँ पे इतना होगा, ये इस तरीके से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, जो इन्होंने हैंग के लिए बोला है। आप इसको अगर हैंग करना है तो आप हैंग भी कर सकते हैं, जैसे दीवार पे लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको टेबल पे स्टैंड करना है तो आप यहाँ पे इसका लॉक है, इस तरीके से टेबल स्टैंड बना सकते हैं आप इसको, टेबल स्टैंड पे, ठीक है। टेबल पे रखा हो इस तरीके से, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको बंद करना है, एक ये स्टैंड भी है बट ये यहाँ पे कोई काम का नहीं है क्योंकि ये पूरा फिट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये ऑटो लॉक हो जाता है, ये एक लॉक बटन दिया हुआ है यहाँ पे, आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन होता है। ये हम इसको टेबल स्टैंड ही बना के शुरू करते हैं आपके सामने, आपकी तरफ भी, ठीक है। यहाँ पे इसके दो बटन्स दिए हुए हैं, एक ये पावर का, एक वॉल्यूम बटन है। तो पावर का आपका ये है और वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप। तो पावर बटन प्रेस करके रखते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए ये होम स्क्रीन आ गया इसका, देखिए कितना बड़ा स्क्रीन लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इसमें ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। हम इसका कैमरा चला के दिखाते हैं, ये ऑप्शन मांग रहा है अलाउ ऑल टाइम, ये आपको बैक कैमरा नज़र आ रहा है, ठीक है, बैक कैमरा है आपका, और ये इसका फ्रंट कैमरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए हमने ऑन करके रखा है, ठीक है, और ये बैक कैमरा, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी जेस्चर मोड यूज़ किया और बाहर आ गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ये हम आपको इसके बारे में एक और वीडियो, डिटेल वीडियो होगा तो हम ट्राई करेंगे आपको दिखाने के लिए, सो दैट आप लोगों को और अच्छा रिव्यू मिल सके, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।